नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। फरीदाबाद के ब्राह्मण समाज के जरिए दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली मिलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी देशवासियों को दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी गईं। ब्राह्मण नेताओं ने इस अवसर पर अपने विचार भी आदान प्रदान किए। मुख्य रूप से बदरपुर के विधायक नारायण दत्त शर्मा, अध्यक्ष प्रेमचंद गौड़, सतीश कौशिक, सोमदत्त गौड़, अनिता शर्मा, लखन राकेश वत्स शर्मा, कलीराम शर्मा, ओपी गौड़, संतोष शर्मा, भाई विजय कौशिक, देवेंद्र गौड़, भगवान दास, आरपी गौड़, पंकज पराशर, मनीष शर्मा, अवधेश कुमार ओझा, नारायण शर्मा, के त्रिपाठी, किशोर शर्मा, रामदास शर्मा, सचिन शर्मा, हरजिंदर शर्मा, एनडी शर्मा, अनिल कौशिक, भगवत दयाल शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज की राजनीति से घटती साझेदारी, बढ़ती गरीबी, समाज में बढ़ रही बेरोजगारी पर भी चिंता जाहिर की गई। आइए बातचीत करते हैं नारायण दत्त शर्मा, जो ब्राह्मण समाज में अपना एक स्थान रखते हैं और बदरपुर दिल्ली से विधायक हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए, राष्ट्र खबर पे आपका स्वागत है नारायण जी। आप ये बताइए कि ब्राह्मण जो समाज है, इस वक्त जो इनके पिछड़ने का आप क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सभी वृत्र बंधुओं को, ब्राह्मण समाज से सभी अग्रबंधु यहाँ आए हैं, सभी को, बल्कि सर्व समाज को दीपावली की शुभकामना देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कहीं पिछड़ रहा है। आपने मुझसे कारण पूछा कि कारण क्या है। कारण सिर्फ एक है कि अगर ब्राह्मण को दुनिया की कोई ताकत हरा सकती है तो अपना हरा सकता है, बाकी किसी में दम नहीं। बहुत बढ़िया। जिस दिन ब्राह्मण ब्राह्मण की टांग खींचना बंद कर देगा जी। उस दिन ब्राह्मण को कोई रोक नहीं सकता जी। वो सर्वोच्च कुर्सी पे भी बैठेगा और सर्वोच्च समाज में अपने स्थान को भी प्राप्त कर लेगा जी। बशर्ते एक रहा है इतिहास ब्राह्मणों का जी। जिस वक्त रावण को तीर लग जाता है, रावण धरा पे गिर जाता है जी। तो लखन बड़े हर्षित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, राम उदास होता है। राम कहता है इतने खुश होने की जरूरत नहीं है लखन जी। मैं तेरा भाई बनने के लिए इस धरा पे नहीं आया हूँ जी। मैं दशरथ का पुत्र बनने के लिए भी इस धरा पे नहीं आया हूँ जी। और सीता से ब्याह करने के लिए भी इस धरा पे नहीं आया हूँ जी। अगर मुझे इस धरा पे जन्म लेना पड़ा है, इस ब्राह्मण के बेटा का उद्धार करने के लिए आया हूँ जी। ये राम कहते हैं और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब जाइए, प्रणाम करिए, ऐसा ज्ञानी, ऐसा विद्वान, ऐसा भक्त, ऐसा वीर धरा पे दोबारा पैदा नहीं होगा। राम आ सकता है, लखन आ सकता है, लेकिन रावण जैसा वीर रोज पैदा नहीं होते हैं। आप जाइए, प्रणाम करिए और कुछ ज्ञान की बात लेके आइए। जब लखन वहां जाता है एक बार, तो सराहने की तरफ खड़ा हो जाता है, आप सबने देखा होगा। रावण उनसे कोई बात नहीं करते हैं, उनको लौटा देते हैं। दोबारा फिर जाके पैरों की तरफ जाके प्रणाम करता है, विप्र जी, ब्राह्मण बंधो, श्रेष्ठ कुल, मैं दशरथ का पुत्र लखन, हम छोटे से अभूत बच्चे हैं, हमने आगे जाके अयोध्या में राज करना है, आपसे बड़ा कोई ज्ञान इस धरा पे नहीं है जी। चंद ज्ञान की बात हमें दे जाएं तो हमारे जीवन में काम आएंगे जी। रावण कहता तो सुन ज्ञान की बात जी। कहता है कि तेरे बाप से ज्यादा रईस हूं जी। तेरे बाप की लंका अयोध्या ईंट और पत्थर की बनी हुई है, मेरी तो लंका सोने की है, लेकिन फिर भी परास्त होकर इस दुनिया से जा रहा हूं जी। और सुन, तेरे कुल से बड़ा कुल है जी, फिर भी इस धरा से परास्त होके जा रहा हूं। तेरे भाई से बड़ा भगत हूं भगवान का जी। तुमने कोई यज्ञ करी होगी तो आहुति सामग्री की डाली होगी, मैंने गर्दन काट के यज्ञ में डाली है, लेकिन फिर भी जा रहा हूं। और सुनिए, धरा पे मेरे से बड़ा चरित्रवान कोई नहीं है, फिर भी इस धरा पे जा से परास्त होके जा रहा हूं। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यह है कि तेरे साथ तेरा भाई कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और मेरे साथ मेरा भाई दगा कर गया। जिस दिन हमारे भाई कोई विभीषण नहीं बनेगा,
कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि ब्राह्मणों को अपना उच्च स्थान लेने में कोई रोक पाएगा। प्रणाम आपको, जय भगवान परशुराम की, जय हिंद जय भारत। सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामना। हमेशा आपका परिवार संपन्न रहे, समृद्ध रहे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। मैं नारायण शर्मा, MLA बदरपुर, आप सबके लिए ऊपर वाले से मनोकामना मांगता हूँ। जय भैया। लोग अगर किसी को थोड़ा भी मिल जाए तो वो ये नहीं चाहता कि हम और लोगों को भी आगे दिला पाए। जी जी। संगठित ना होना ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जी जी। अगर मैं आगे हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपने साथ और टीम को भी आगे लूँ। ये नहीं कि मैं ही आगे राजनीतिक तौर पर चला गया, मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरा मेरे साथ आगे आए। जब तक हम ये भावना नहीं रखेंगे कि सब लोगों को आगे खींचा जाए, तब तक हम राजनीतिक तौर पर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। पहले तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा। 19 जनवरी 1990 को एक आवाज़ आई थी मस्जिद से कि आप सभी अपना घर छोड़ के यहाँ से चले जाएं। वो आवाज़ शायद हम लोग भूल गए हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कश्मीर में पंडितों को 1990 में भगाया गया था, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कामयाब नहीं हो पाए हैं, और उसके बाद उन्हें निकालने के बाद तुरंत धारा 370 लगा दी गई कि और जो व्यक्ति दबंग है जो वहाँ बस सकते हैं और कश्मीर में हिंदुओं का जोड़ मजबूत कर सकते हैं, वो वहां जाके ना बस पाए। ये एक सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान द्वारा एक आतंकवादी घटना थी, जिसका मैं विरोध करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलके इसका विरोध करें और ब्राह्मणों को बचाएं वहां पे। जी जी जी। तो ये था कि ब्राह्मणों पे अत्याचार और ब्राह्मणों को पिछड़ने का कारण ये था। तो जितने विदेशी आतंकवादी थे, उन्होंने एक ही वर्ग को, जो ब्राह्मण वर्ग था, उसको टारगेट किया, उनके धर्म को तहस नहस किया, उनकी शिक्षा पद्धति थी जिससे वो आगे बढ़ते थे उसको नष्ट किया, और उससे सिर्फ ना ब्राह्मण समाज बल्कि पूरा हिंदुस्तान कम से कम 800 साल तक गुलाम रहा है विदेशियों का, 1000 साल तक मानो। तो ये था, और सभी ब्राह्मणों का ये विचार है। देखिए, इन्होंने, इस समाज ने किसी का विरोध नहीं किया, किसी के बारे में ये नहीं कहा कि ये गलत है या कुछ। इन्होंने सिर्फ अपने लिए ये कहा है कि भाई हमें ये, मतलब बहुतायत में इन लोगों ने ये कहा कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना हो के अपने साधन जुटाएं, शिक्षा प्राप्त करें और अपने समाज में सहयोग करके इसको आगे बढ़ाएं। मैं BD कौशिक, राष्ट्र खबर, ग्रे फाल्कन होटल, फरीदाबाद से। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।